चाइना और जापान के लोग कच्चे मीट पकाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले वे आग के ढेंगूरों के बीच मीट के रोलर रखकर ऊपर से प्लेट ढक देते और कुछ टाइम बाद खोलते तो मीट पका रहता, लेकिन इस तरह से ज्यादा मात्रा में मीट पकाया नहीं जा सकता था। इसीलिए आग के ऊपर झूले लगाकर मीट रख दिया जाता है ताकि वे पकने के बाद क्रिंची और मुरमुरा मीट में बदल जाए।